नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राव स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल। आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ टॉपिक आपको जो आपसे डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे। आज का टॉपिक हमने देखा रखा है कि आपको एक सरल रेखा है उसके भाग करना है, ठीक है। तो एक सरल रेखा है उसके भाग कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। यदि अगर एक सरल रेखा के दो भाग करने हैं तो दो भाग अलग तरीके से किए जाएंगे। यदि दो से अधिक भाग करने हैं तो दो से अधिक भाग उस रेखा के दूसरे मेथड से किए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको किसी सरल रेखा के बराबर दो भाग करने हैं तब आप क्या करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो एक सरल रेखा मिलेगी आपको ए और बी, आपको ये सरल रेखा मिलेगी। इस सरल रेखा में आप दो भाग कैसे कर सकते हैं, आप स्केल की सहायता से इसे नाप लें और बराबर दो भाग कर दें, या भाग उस संख्या में दो का भाग दे दें तो इसके बराबर दो भाग हो जाएंगे। परंतु आपको कई बार ऐसी संख्या आ जाएगी, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर आ जाए दोस्तों 37 mm आ गया। तो 37 mm आपको दो भाग करने तो आपने 37 mm में दो का भाग दिया, ठीक है, दो का भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपका आ जाएगा 18.5 mm। अब 18 तो आप स्केल में नाप सकते हैं लेकिन 0.5 की जो स्केल है वो आपके पास नहीं है, तो इसके सदा बराबर दो भाग एक्यूरेट करना संभव नहीं होगा। तो हमको ड्राइंग बनाते समय क्या होगा, हमको एक्यूरेसी की जरूरत होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके एक्यूरेट बराबर दो भाग करेंगे। तो दो बराबर भाग करने के लिए आपको एक प्रकार मिलेगा, प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार को आप क्या करेंगे, जिस रेखा जो भी रेखा है उसको नापना नहीं है आपको, ठीक है। इस रेखा पर आप क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाएंगे और बिंदु ए पर रखकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ इस तरीके से आप क्या कर देंगे काट, ठीक है। उसी प्रकार बिंदु बी पर रखकर क्या करेंगे आप, प्रकार की लोग बी पर रखकर एक चाप ऊपर की लोग और एक चाप नीचे की ओर काट देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो दो कटान बिंदु मिले हैं उन कटान बिंदुओं को इस तरीके से आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो आपने क्या कर दिया, दोनों कटान बिंदुओं को मिला दिया। तो दोस्तों ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए को, ठीक है। ये जो मेथड मैंने आपको बताई है, अगर किसी सरल रेखा के बराबर दो भाग करने तब तो आपके लिए काम किया है, लेकिन अगर मान के चलिए यदि आपको किसी रेखा के दो से अधिक भाग करने हो, ठीक है, दो से अधिक भाग मतलब आपको तीन करने हो, चार करने हो, पांच करने हो, छह करने हो, सात करने हो, आठ करने हो, नौ करने हो, दस करने हो, कितने भी करने हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ये वाली मेथड उसमें तो इस्तेमाल नहीं होगी, तब आप उसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखते हैं कि हम एक रेखा के दो से अधिक भाग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो एक रेखा दी जाएगी आपको, ठीक है, एक रेखा दी जाएगी आपको। तो ये आपको एक रेखा मिल गई, इस रेखा को बोल दिया आपने ए बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो अब आपका क्या करना है, इस रेखा के बराबर दो भाग करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सपोर्टिंग लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्टिंग लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन खींच दिया, ठीक है। अब आपको जितने भी भाग करने हैं तो हम इसे पांच बराबर भाग कर लेते हैं, ठीक है, कितने कर लेते हैं दोस्तों, पांच बराबर भाग। तो हमको पांच बराबर भाग करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस रेखा के पांच बराबर भाग कर देंगे, ठीक है, पांच बराबर भाग कर देंगे। इस रेखा के पांच बराबर भाग करना आसान है, तो हम क्या कर लेते हैं, पांच बराबर भाग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10-10 mm के साथ पांच बराबर भाग कर देते हैं, या 15-15 mm के कर देते हैं, या 20-20 mm के कर देते हैं। तो स्केल की सहायता से किए जा सकते हैं, या मान के चलिए आप स्केल की सहायता से नहीं करना चाहते तो आपने आपका प्रकार है, प्रकार को आपने एक दूरी पर सेट कर लिया, ठीक है, आप एक दूरी पर इसको सेट कर लीजिए और इस तरीके से इसके क्या कर लीजिए, पांच बराबर भाग कर लीजिए, दो तीन चार और ये हो गया दोस्तों पांच, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पांच बराबर भाग कर लिए। अब क्या करना है कि लास्ट वाले से मिलाना है, जैसे 1, 2, 3, 4 और लास्ट में कौन सा है, तो लास्ट वाले को क्या करना है, अपने को लास्ट वाले से मिलाना है, मतलब पांचवें नंबर को आप कैसे मिलाएंगे, बी से मिला देंगे। अब दोस्तों हम तो एक स्टूडेंट है, ठीक, आपके पास मेरे डॉक्टर होगा, ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो आपके पास डॉक्टर होगा, आईटीआई के स्टूडेंट है तो आपके पास क्या होगा, सेट स्क्वायर्स होंगे। तो सेट स्क्वायर्स और राउटर से आपको तो पता होगा सर कि समांतर लाइनें कैसे खींची जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि समांतर लाइनें खींचनी है, और समांतर लाइन खींचते हुए इन पॉइंट, इस लाइन के समांतर लाइन खींचते हुए सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हमारी मेन वाली तो सपोर्टिंग लाइन के पॉइंट्स को मेन वाली लाइन से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, एक दो
ये हो गया तीन, और दोस्तों ये हो गया चार। तो देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये पांचों भाग क्या है दोस्तों, बराबर हो गया। आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेखा के बराबर भाग किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक सरल रेखा के भाग कैसे किए जाते हैं। ठीक, आगे और भी ड्रॉइंग के नए टॉपिक के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।